ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अवेंजर द एंड गेम देख रहा है मैं ऐसे वेले, लाइव आया सीगा तो लाइव आने का भी मन नहीं सीगा। आज सिर्फ रेस्ट करना वाना। मैं 12 बजे उठाया राती, मैं पता नहीं 2 2:30 बजे सुता सीगा, 12 बजे उठाया। हूँ मैं गेमिंग कर रहा है फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग, और उसमें दिक्कत होती है कि वाईफाई होता, नेट होता जो स्लो हो जाता काफ़ी, मतलब कि वो लाइव के उत्ते फोकस कर रहा हों, गेमिंग चल रही होती, फोन हीट होने लग पाता है, गर्मी का मौसम है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फोन सारे दे हीट होंगे आते, अगर तुम गिला करके कपड़ा रख देंगे तो जल्दी चार्ज होगा, नॉर्मल हो जाएगा, टेंपरेचर नॉर्मल कर देता तो फोन चार्ज हो जाएगा नॉर्मल। कस्टमर केयर जान का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके आपको यही सोल्यूशन देना है, उन्होंने ये नहीं बोला कि गीला कपड़ा रखो क्योंकि उससे फोन खराब हो सकता है, पर अगर आप कपड़े को अच्छे से निचोड़ देते हो वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल कर देगा, या फिर AC में चार्ज लगा के देखो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पर मैं जो कर रहा हूँ अपने फोन को, ये देखो मैंने अभी चार्ज किया, इसको गीला कपड़ा था, इसको अभी ये गीला है, ये देखो आपको कैसे दिखाऊँ, ये अभी मैंने इसको लोअर के आधा मतलब कि गिल्ला किया हो, इसको चेंज करता रहता हूँ। देखो जब आप चार्ज लगाओ, गिल्ला चार्ज लगाओगे गर्म होगा ना, तो उसको आपको आगे पीछे करता रहना पड़ेगा क्योंकि वो कपड़ा गिल्ला कपड़ा भी गर्म हो जाता है, इतना हीट है। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन मिल जाएगा। आज का ब्लॉग जो मैंने शूट नहीं करना था, जो कि मैं कर रहा हूँ, और सबसे पहले इसमें बता दूँ कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उसका पॉपअप आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, इस जगह पे आपको पॉपअप दिख जाएगा, पर उन्होंने सिर्फ लैपटॉप ही बताया। लैपटॉप का मतलब क्या बनता है, कुछ भी बनता है। लैपटॉप पे कहाँ पे जो मेरा लोगो था वो कहाँ पे था, फ्रंट पे था, बैक पे था, कहाँ पे आपने देखा, ठीक है। आपको पूरी डिटेल लिखनी थी, चलो कोई बात नहीं। जिन्होंने लिखा जी आप शांत गुप्ता ने मैसेज किया था लैपटॉप पर, हाँ मेरा जो थंबनेल है वो मेरे लैपटॉप पे लगे हुए हैं, यूट्यूब के दोनों बैक और फ्रंट दोनों पे लगे हुए हैं, पर उन्होंने लिखा है लैपटॉप, मतलब कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी है और गौर से सुना नहीं। अब बात हुई है या नहीं हुई वो आपको और पता चलेगा, पॉपअप आपको यहाँ दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रशांत गुप्ता को मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, मुझे लगता है उसने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। अब तक तो खैर बात नहीं हुई, अगर एडिटिंग से पहले ही होगी तो आपको उसका शॉर्ट आउट मिल जाएगा। फिलहाल कमेंट का शॉर्ट आउट दे दिया। आज के जो ब्लॉगिंग में आपके लिए रहेगा वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ आपने ब्लॉगिंग में मुझे बतानी है, जिसके कारण आपको शॉर्ट आउट भी मिलेगा। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते तो आपको मैं कॉलिंग भी करूँगा, अगर मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हो तो, ठीक है। और आपको करना क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ जो मैं सवाल पूछूंगा उसका आपने जवाब देना है, और साथ ही साथ ही आपने ये भी बताना है कि वो किस टाइम पे चीज़ आई है और कैदा वो चीज़ क्या थी, ठीक है, कहाँ पे थी, ठीक है, छोटा मोटा। और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और वो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ना मन हो तो ऐसी की तैसी फिर जाती है। आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है, और मैं 12 बजे उठा था और दोपहर के सुबह के दोपहर के और 12 बजे उठा था। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं लेटा रहा, मूवी देखी एवेंजर द एंड गेम, और बस बिल्कुल काम करने का मन नहीं, आलस इतना आ रहा है। एक कोरोना में लॉकडाउन में किसी को बाहर नहीं निकलना था, पर ये बाहर निकला है। अब जल्दी जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाए, मैं फुटबॉल को बहुत मिस कर रहा हूँ, और सोच रहा हूँ, देखता हूँ ग्रुप में डालता हूँ, पूछता हूँ कि फुटबॉल का कोई सीन है, वैसे तो नहीं होगा, और क्योंकि कोरोना है तो सारे दूर दूर रह ज़्यादा बेटर है, पर देखते हैं ग्रुप में डाल के सभी ग्रुप का क्या ओपिनियन है। हमारा NFC नाम से फुटबॉल ग्रुप है जिसमें सारे जितने भी शाम को फुटबॉल खेलने आते हैं, तो उनका सारे का लिंक रहता है कि हम मैसेज डाल देते हैं, फिर कोई कहता है आना है या नहीं आना है, तो देखते हैं क्या विचार बनता है। वैसे मानव और अमित भैया मेन लीड रहती है, जब ये आते हैं तो काफ़ी अच्छी गेम लगती है, चाहे हम 6 जने हो, चाहे 8 जने हो, 10 जने हो। और नीटू भैया, टिक्कू भैया, और कौन है अभिषेक, जिसको मैं पनीर बुलाता हूँ, वैसे मुझे भूल जाता हूँ, अभिषेक, विवेक, बाकी मनीष तो आजकल स्टडी में बिजी है तो पूछ लेंगे उसको, वैसे वो आएगा नहीं, और क्योंकि वो खेलता है, रैकेट खेल रहा होता है वो। और कौन है, और पता नहीं, मैं बाकी मुझे नाम भूलने गया तो है, वो तो आपको पता ही है, बाकी बस जो आ जाता है वो खेल लेता है। रात को 8 बजे खेलते हैं, पर अब सीन कुछ अलग है, 7 बजे फ्री हो जाता है, तो देखते हैं 7:30 का टाइम पाते हैं।
और सिंथेटिक मैट बन चुका है, तो ग्राउंड अभी चल चुकी है, मैं कभी स्टार्ट नहीं की क्योंकि अभी वो उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो सदाराम जी मना करते हैं उसके ऊपर चढ़ने के लिए। सदाराम जी कौन है? वो ग्राउंड को कवर करते हैं, बल्कि उनकी देखभाल करने की ड्यूटी उनकी है। तो बस देखो आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, शाम का नज़ारा देख रहे हो आप, और मैं थोड़ी ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ, और बच्चे नीचे भाग के, और ये ट्राइपॉड है, मैं लाइव आ रहा हूँ इसी पे और इसी से शूट कर रहा हूँ। तो वेदर बहुत बढ़िया है, वेदर बहुत बढ़िया है। अभी मैं लाइव बीच में रोक के शूट करने लग गया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं वेदर कर रहा हूँ शूट शाम का, और इस वाले ये नज़ारा बहुत बढ़िया है। मैं ना बैक शॉट शो फोटोज ले लेता हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं करूँगा इसको अपलोड, ठीक है? जैसे कि ये क्लिक ओ जहर। वैसे ना मैं सोच रहा था ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ना वाइट पर्दा लगा के, ऐसे वाइट पर्दा लगा के या कुछ लगा के शॉट लिया जाए तो बहुत अच्छा आएगा। नहीं, ओहो, लग रहा है जैसे अंडे का पीले वाला योग नहीं होता, ऐसे सूर्य बन रखा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर अभी मैं छत पे आ गया हूँ, सुबह से मेरा बुरा हाल हो रखा है, मैं लेटा पड़ा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। आज तो मैंने पबजी भी नहीं खेली, पता नहीं मैंने क्या किया, आज मेरा दिन ख़राब किया, ठीक है ना? फ़ोन के ऊपर मैंने कुछ स्टडी भी नहीं की, वैसे मुझे स्टडी कर लेनी चाहिए थी। इधर देखो, मैं आपको देखो क्या कर रहा है, नाखून काट रहा है। इसको पूछे नीचे बैठ के नाखून काटने का ज़्यादा बेटर रहेगा ना। चिंटू क्या कर रहा है? तो नीचे बैठ के काट ले, चेयर पे बैठ के कैसे अनकंफर्टेबल हो रहा है, नीचे बैठ के काट ले। दिए कहाँ है, क्या कर रही है? दिया दिया दिख रही है। ओ, 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 ओ। दिया ए मोटी काटो, क्या कर रही है? इधर आ कांटो, कांटो ए क्या कर रही है? किससे? ये कूड़े उठाने वाले आए नहीं। अरे ये क्या, आज कूड़े उठाने वाले आए नहीं। वैसे हम ऊपर को ऊपर खेलते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं हल्का हल्का सा। और अभी जो है कि मेरे ट्राईपोड का ये चीज़ टूट गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्राईपोड का ये चीज़ टूट गई है, ठीक है ना? तो पे नहीं शूट कर पा रहा, नहीं तो मैंने ट्राईपोड पे रख के आपको पूरा सीन दिखाना था। बढ़िया भला। तो एक चीज़ बता दूँ कि आज का मेरा सवाल ये है कि पूरे ब्लॉगिंग में मैंने मूवी का नाम लिया है, मूवी जब देख रहा था तब का नहीं, उसके बाद मैंने एक बार फिर से नाम लिया है, वो कब लिया है आपने मुझे ये बताना है, और वो कमेंट टाइमिंग बतानी है, बकायदा मूवी का नाम बताना है, ठीक है? और उसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप कमेंट करते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, ज्वाइन किया करो, ताकि मैं उसके ऊपर वो जो आपने कमेंट जिसका सही आंसर होता है उसका रिप्लाई मैं वहाँ डालता हूँ, और बकायदा मैं आपको उस बोल के कमेंट भी डालता हूँ कि जिसने कमेंट किया है वो मुझे कॉन्टैक्ट करे, मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में डाले, मैसेज डाले, ताकि मैं उसको कॉल कर सकूँ, ठीक है? तो पर मुझे लगता है वो कमेंट तो कर देते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, वैसे व्हाट्सअप ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं कर सकता, मैसेज सिर्फ मैं कर सकता हूँ, पर जब मैं कमेंट छोड़ता हूँ वापस रिप्लाई के लिए तो मैं ग्रुप ऑल कर देता हूँ और चैटिंग कर देता हूँ, जिसके कारण वो चैटिंग कर सकता है मेरे साथ, ठीक है? तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ग्रुप ज्वाइन किया करो। आपका काम क्या है, आपने बताना है कि कहाँ पे मैंने मूवी का नाम लिया है, मूवी देखते समय नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, कहाँ पे मूवी का नाम लिया है, और वो टाइमिंग क्या थी, मूवी का नाम क्या था, ठीक है? बस, और लाइक करना है 10 सेट। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉगिंग में आपका नाम शो होगा, अगर आपके साथ मेरी बात होगी वो पॉपअप भी शो हो जाएगा कि मैं वीडियो कॉलिंग करता हूँ, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पे ही वीडियो कॉलिंग करता हूँ। तो बस सीन है कुछ ऐसा कि आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। बाकी ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर अब थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। चिंटू और काटो, ये मेरा प्यार से नाम डाले हुए हैं, वैसे इसका नाम दिया है और उसका नाम प्रज्वल शर्मा, दिया शर्मा। तो इतना आता नहीं है,
और ये है 5 साल की मेरी, इसका 15 तारीख को बर्थडे है, क्योंकि अभी 2-3 दिन रह गए, एक दिन रह गया। तो फ्रेंड्स शाम को मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था और अब नेक्स्ट डे है, 15 दे। कांटो ए परी कांटो, हैप्पी बर्थडे, आज बालिका देखो बर्थडे है। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल बनाएंगे ब्लॉग। देख तो मैं आज शायद ब्लॉग शूट करूँगा, शाम को आएगा इसका बर्थडे आज, और शाम को ये वीडियो एडिटिंग करूँगा, बर्थडे भी इसका ऐड कर दूँगा अगर हो सका। तू नंगी हो तो बाय फ्रेंड्स, फालतू ब्लॉग का नाम होगा।